अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लुकमान टीवी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ थोड़ा सा नमकीन इवनिंग स्नैक रेसिपी। वो है चना दाल नमकीन और बटाने नमकीन। इसको बनाना तो बहुत आसान है, तो चलिए इसको बनाना शुरू करें। बटाने नमकीन बनाने के लिए सबसे पहले हमें बटानों को एक बाउल में डाल के इसको पानी डाल के 5 घंटों तक इसको भिगना रख लेना है। ये देखिए, मैंने इसको पूरे 5 घंटे भिगने रखने के बाद ये इस तरह अच्छे से फूल गए हैं। ये 5 घंटे भिगने के बाद इसमें का पानी का सब मैंने स्ट्रेन करके एक कार्टन क्लॉथ में डाल के इसको सूखा बना लिया है। ये देखिए, चना दाल में मैंने 1/4 टीस्पून सोडे का डाल के इसको भिगने रख लिया है। बटानों में हमें सोडे को ऐड नहीं करना है। सोडे को डालने से चना दाल ऑयल में डीप फ्राई करने से बहुत ही सख्त नहीं होंगे, इसलिए ये देखिए मैंने यहाँ पर इस चना दाल को इस कार्टन क्लॉथ में डालने रही हूँ। इसमें का पानी अच्छे से अब्जर्व हो जाए, चना दाल अच्छे से हमारा सूख जाए, इसलिए इसी प्रकार मैंने बटानों को भी सुखा लिया था। ये देखिए, मैंने इसको 15 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दिया। चना दाल हमारे पूरी तरह से सूख गए हैं, को एक बार इस तरह अच्छे से पोंछ ले। ये देखिए, पूरी तरह से ड्राई हो चुके हैं और तलने के लिए तैयार है, तो चलिए इसको तले। इसको डीप फ्राई करने के लिए स्टोव पर मैंने तेल रख लिया था। तेल हमारा गर्म हो चुका है और उसमें मैंने डाल ले रही हूँ चना दाल। देखिए, चने को मैंने डाल के हल्के से हलाते हुए इसको पका ले रही हूँ। चना हमारा अच्छे से तल जाने के बाद इस तरह ऊपर तिरने लगेंगे, उस वक्त हमें इसको बाहर निकाल लें। अब मैंने इसको बाजू निकाल लूँगी। इसको बनाना बहुत आसान है, आप भी इसको इस तरह ज़रूर ट्राई करें। ये खाने में नमकीन से बहुत ही स्वादिष्ट रहते हैं। तो चलिए उसी प्रकार हम बटानों को भी तल लें। बटानों को तलते समय आप इस बात का ध्यान दें, बटाने फूट के आपके ऊपर गिर सकते हैं। अब थोड़ा केयरफुल से इसको तले। मैंने चना दाल और बटाने दोनों को भी मीडियम फ्लेम में तलने रही हूँ। ये देखिए, बटाने भी तलने के बाद इस तरह ऊपर तिरने लगते हैं जब हम इसको बाहर निकाल लें। शाम के वक्त खाने में तो ये बहुत ही अच्छे रहते हैं, थोड़ा सा चटपटा नमकीन। इसी तरह मैंने आपके साथ बहुत ही सिंपल एंड इजी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। अब तक आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें। मैंने तले हुए बटानों को एक बाउल में निकाल लिया और उसमें मैं डाल ले रही हूँ सॉल्ट स्वादानुसार, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला डाल के हमें इसको अच्छे से मिक्स करें। ये देखिए, उसी प्रकार हमने सॉल्ट स्वादानुसार 1/2 टीस्पून भर के लाल मिर्च पाउडर डाल के इसको अच्छे से मिक्स करें। तो ये रही आज की हमारी रेसिपी, चटपटा नमकीन चना दाल और बटाने। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। हमने तो यहाँ पे चना दाल नमकीन और बटानों के नमकीन बनाया है, इसी प्रकार हमें मूँग दाल नमकीन और मसूर दाल नमकीन भी बना सकते हैं। ये पूरी तरह से ठंडा होने के बाद इसको 8-8 कंटेनर में डाल के महीने तक स्टोर करके खा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।